हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी का ऑनलाइन इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी अपनी टीम के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो आज हम लोग का डिस्कशन है वो विजन आईएएस का, वापस हम लोग आ रहे हैं करंट अफेयर्स पे। और जो संक्षिप्त सुर्खियां इसमें है, यानी आप देख सकते हैं अगर आप लोग हम लोग के साथ फॉलो कर रहे हैं तो 104 पेज नंबर पे आज हम लोग क्या करेंगे, संक्षिप्त सुर्खियों से किस तरह के प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं और आपस में डिस्कशन करने वाले हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने वाले। सुर्खियां हैं आपके सामने और प्रिंस में किस तरीके के इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप भी चाहें तो हमारे साथ साथ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि ये इसका आंसर होगा, इसका आंसर ये सही है। विजन की मैगजीन आपस में आप ओपन करके बैठ भी सकते हैं साथ में। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग का ये जो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी है ये हम लोग को मोटिवेट करेगा कि हम लोग डेली वीडियो बनाए। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए पूछिए पहला प्रश्न। किसी राजनीतिक दल में मान्यता प्राप्त हुए राजनीतिक दल उसमें कितने स्टार प्रचारक हो सकते हैं? मैक्सिमम 40 मैक्सिमम, अभी कोविड के टाइम 30 कर दिया गया। और गैर मान्यता प्राप्त दल है तो उसमें 20 और 15 कर दिया गया है। ठीक है। तो प्रश्न यह है कि माने कोई उम्मीदवार है, ठीक है, और अगर वो स्टार प्रचारक के साथ मंच को साझा करता है तो जो उसका व्यय है, मतलब उसकी यात्रा को छोड़कर जो व्यय है, क्या उसको शामिल किया जाएगा कि नहीं उस जनप्रतिनिधि के अंतर्गत? मतलब अगर मंच साझा कर रहा है तो खर्चा साझा होगा। अब मैं पूछ लूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप बताइए, हाल में ही एक लुहारी जल विद्युत परियोजना चर्चा में रही है, किस नदी पर है? सतलज नदी पर। बिल्कुल सही जवाब। सेकंड वन, सेकंड क्वेश्चन आप पूछ लीजिए सर। अच्छा भाई, सतलज नदी का जो प्राचीन नाम था, नाम क्या था? सुतुद्री। निशान सर आज का फॉर्म है बिल्कुल तैयार बैठे हुए लग रहा है, क्वेश्चन लीक कर दिया गया ऐसा फील आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एलएसी और एलओसी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा बताइए। एलएसी तो वो सीमा रेखा जो उसके साथ चाइना के साथ, बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो पाकिस्तान के साथ। कब बनी थी एलओसी? एलएसी नंबर तक जो की मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जब विभाजन हुआ है तो उसके बाद थोड़ा आ सकता है प्रश्न ये है की अक्साई चाइना जो है, ठीक है, अक्साई चीन जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ सीमा को साझा करता है कि नहीं करता है? लद्दाख के साथ। विभाजन हुआ है उसमें जम्मू कश्मीर को एकदम काट दिया गया है, यानी कि जम्मू छोटा हो गया एकदम। जम्मू कश्मीर जो है किसी भी विदेशी किसी भी अन्य देश के साथ सीमा साझा नहीं करता, पाकिस्तान से तो करता है, बलूचिस्तान से करता है, जो एलओसी है उससे करता है, उसको पाकिस्तान नहीं, लेकिन जो भारत सरकार मानती है कि वो नहीं करता, जम्मू कश्मीर किसे देगा? एकदम किनारे यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है वो नहीं है। ये भैया देखिए, ये जो क्वेश्चन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला, ये क्वेश्चन मैप खोल दीजिए भैया, पीओ के तो ऊपर है जो एकदम किनारे, भारत सरकार अपना मानती है ना पीओ के को, तो हम भी अपना मानते हैं, भारत सरकार क्यों मानेगी, हम भी मानते हैं। बिल्कुल, ये जो नीचे वाला है जम्मू एंड कश्मीर है ना, ये नीचे तक छोटा सा ये लिख दिया जाए। पूछा जा सकता है यूपीएससी में, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हॉल्ट पे रखते हैं, अभी कंफर्म करके बताएंगे। ये बताइए सर, आपको ये बताना है कि इंडस समझौता जो हुआ था 1960 में, ठीक है, सबके लिए क्वेश्चन है, तो उसमें 6 नदियां थी, आपको ये ध्यान में बताना है कि उसमें, ठीक है, जम्मू कश्मीर भी करता है, इससे की वजह से कंफ्यूज हो गए, तो नीचे है थोड़ा सा वो पाकिस्तान, हालांकि अच्छा, ये वाला जो एरिया है जम्मू कश्मीर का, ये मैं पे दिखा दूं, जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो पाकिस्तान के साथ भी साझा हो रहा है और लद्दाख का भी साझा हो रहा है, जम्मू कश्मीर चाइना के साथ साझा नहीं कर रहा, अब चाइना के साथ कर गया, ये हां। तो प्रश्न ये था, जो प्रश्न था कि 1960 में हुआ था, और मैं बता दूं सिंधु जल समझौता जो था वो विश्व बैंक की मध्यस्थता के साथ हुआ था।
आपको ये बताना है कि इसमें जो छह नदियां थी, छह नदियों को नॉर्थ से साउथ अगर हम अरेंज करें तो क्या ऑर्डर बन सकता है, क्योंकि प्रीलिम्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इनको नॉर्थ से साउथ है ना। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो सीजेआई, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हिसाब से अगर अरेंज करें तो इंडस सबसे ऊपर पड़ता है, सीजेआई ऊपर है। ठीक है, अगर आप बोले नीचे से ऊपर हाँ। जाने पे, साउथ से नॉर्थ जाने पे सीजेआई, वेरी गुड। और उसके नीचे आएंगे मतलब फोर्थ पे तो रावी आ जाएगा, फिर ब्यास आ जाएगा, फिर सतलज आ जाएगा, यानी हम लोग इसको आरबीएस करके। ठीक है, सीजेआई और आरबीएस, तो ये शुरू के तीन का हो जाएगा नीचे से ऊपर सीजेआई और उसके तीन का लास्ट हो जाएगा आरबीएस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब को बोला जाएगा सर, क्योंकि सतलुज को लोग बोलते हैं चेनाब में, चेनाब बिल्कुल सही, चेनाब है सबसे बड़ी। हालांकि मुझे ये डाउट होता है हमेशा, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है लेकिन सतलुज में सहायक नदी का हो सकता है ज्योग्राफी। मेरा एक क्वेश्चन था, मेरा ये क्वेश्चन है कि राज्यों, मैं कुछ राज्यों का नाम बता रहा हूँ और आप इसको उसके बनने के क्रम में लगाना है। ठीक है, लगा दिया। तो पहला है गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना सबसे एंड में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना। महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश से दिलपन नहीं यार, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से महाराष्ट्र गुजरात तो पहले ही अलग हो गए थे, तो पहले आंध्र प्रदेश बना था। हाँ, महाराष्ट्र गुजरात बना था 1956 के राउंड। ठीक है ना। हाँ, तो सही है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना, बिल्कुल सही। तो इसको याद करने का एक तरीका था, वो कौन सा? गुणागार हरि मत्र में सिमी योगो छौ जाते, तो इसको हम लोग अपने टेरी नाम से जानते हैं, फोटो खींच के इसको अपलोड कर देंगे, कैसे इसको याद किया जाता है निमोनिक्स बना के। और फिर ये क्या होगा कि आपसे जितने भी प्रश्न आएंगे सारे आपके सही होंगे। हां, ये प्रीलिम्स से बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि राज्यों को उनके क्रम अनुसार लगाइए बनने के क्रम में, तो ये यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ये हम लोग अपलोड कर देंगे ताकि अब डिस्कशन, क्योंकि हम लोग को याद है ना ये चीज, तो याद ही है। अगला चलिए पूछिए सर। अगला मेरा है कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये कैसी है, क्रूज मिसाइल है या सरफेस टू एयर है? क्रूज, पहले सर ये बताइए क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंस क्या होता है, फिर तो ये डिस्कस, तब तो डिस्कशन ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्रूज मिसाइल सर रमन सर बताएंगे, क्रूज मिसाइल लक्ष्य को मतलब मॉडिफाई किया जा सकता है, और बैलिस्टिक, बैलिस्टिक का एक बार जहां जाएगा वहीं मिल जाएगा। हाँ, बेसिकली ये है जो मेन डिफरेंस ये है कि क्रूज मिसाइल जनरली वायुमंडल के पार नहीं जाती है। अगर हम ब्रह्मोस, अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में देखें तो बैलिस्टिक मिसाइल पैराबोला, बिल्कुल पैराबोला पाथ को फॉलो करती है और यहाँ से उड़ती है वायुमंडल के पास जाती है, वापस एंट्री लेके और गुरुत्वीय बल के से जाती है। लेकिन क्रूज मिसाइल क्या करती है, जमीन से पैरेलल उड़ती है, एकदम ऐसे ऐसे बिल्कुल जमीन के पैरेलल, सांप की तरह से उड़ेगा, जो नाग अस्त्र देखे थे रामायण में पहले मरते थे, तो जमीन के पैरेलल उड़ेगा कुछ 100 मीटर, वो मैन्यूवरिंग कर सकते हैं और कभी भी उसको आप क्या करेंगे रास्ते से उसको घुमा सकते हैं। तो अपने पास क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है, निर्भया भी क्रूज मिसाइल है जो 1000 किलोमीटर की जिसके रेंज है, और अग्नि अपने पास बैलिस्टिक बैलिस्टिक में ध्यान रखने, अग्नि की कई रेंज है, इसलिए अग्नि आईसीबीएम कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी 5000 किलोमीटर से जैसे परमाणु हथियार ले जा सकते हैं ना, आईसीबीएम अग्नि भी परमाणु मिसाइल है, सॉरी ब्रह्मोस ब्रह्मोस भी है। हां, वो परमाणु मिसाइल का कांसेप्ट अलग है कि आगे टिप ऐसी हो कि परमाणु बम को कैरी कर सके, वो अलग। अच्छा, वो शायद ये इंटरकॉन्टिनेंटल है अग्नि। हाँ, अग्नि अंतर महाद्वीपीय, क्योंकि 5000 किलोमीटर तक की रेंज है तो लोग इसको अंतर महाद्वीपीय बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही क्रूज वाला हो गया, हम ऐसे याद किए थे क्रूज वाला, आप उसको लक्ष्य इधर उधर कर सकते हो, और वो वाला आप एक बार जाएगा जहाँ पे वहीं जाएगा, और वायुमंडल वाला बैलिस्टिक ऊपर पैराबोलिक पाथ होता है, और इसका तो जो पैरा बिल्कुल, तो जो ब्रह्मोस था वो ब्रह्मोस किन किन देशों के बीच के समझौते के फलस्वरूप बना था? भारत और रूस का। कौन सी नदियां इसमें? अरे इसमें तो एक तो ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, और एक रशिया की जो नदी है लास्ट में उसका नाम है कुछ मास्कोवा, मास्कोवा है ना, मास्कोवा। अच्छा ये बताइए एक क्वेश्चन और जो बन रहा है, ब्रह्मोस के कितने संस्करण है, मतलब हर तरह का संस्करण है ब्रह्मोस का? नौसेना संस्करण भी लॉन्च हो चुका है और वायु संस्करण भी है, और ये भी है। और इसको जैसे ब्रह्मोस इसीलिए एक अपने आप में यूनिक माना जाता है, और कई देशों से भारत सरकार बात भी कर रही है, वियतनाम को दे रही है। निशान सर आप पूछिए। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि क्वार्शम क्या है, बताइए, क्योंकि रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल होती है। ठीक है, और अभी हाल ही भारत में सब प्रक्षेपण, मतलब कहाँ से परीक्षण,
चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर। हाँ, चांदीपुर तट के बारे में खास बात है जो यूपीएससी ने पूछा हुआ था एक बार 2015 या 2017 में ये प्रश्न आया हुआ था कि आप निम्नलिखित में से किस जगह पे खड़े होंगे तो समुद्र पर चल सकते हैं आप, समुद्र के नितल पर, समुद्र पे तो कहाँ चल सकते, समुद्री नितल पे क्योंकि ज्वार इतना ज्यादा ऊंचा आता है यहाँ पर कि समुद्री नितल दिखने लगता है, वहां पे आप पैदल पैदल चल सकते हैं। और इसकी मार्ग क्षमता 25-30 किलोमीटर की है। ठीक है, अगला हम लोग ये देखेंगे कि और जो कलोरी सीरीज की 6 पनडुब्बियां हैं, ठीक है, उनका नाम कोई भी, कलवरी, खंडेरी, करंज, बागीर, 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 ठीक है, बिल्कुल सही। और ये स्कॉर्पियन, हाँ, ये फ्रांस से ली गई है, ये डीजल पनडुब्बी है कि परमाणु पनडुब्बी है, डीजल परमाणु पनडुब्बी है कोई, हाँ है ना, अरिहंत, अरिहंत केवल एक ही ऐसा ना, हाँ एक ही केवल परमाणु पनडुब्बी, उसका नाम अरिहंत है। बाकी जो किट नहीं है जो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बनी है ये डीजल चालित पनडुब्बी है। तो जैसे यूपीएससी क्वेश्चन फंसा सकती है कि जो किस देश की पनडुब्बियां हैं परमाणु चालित है, ये भी बन सकता है। और एक जो थोड़ा और एक्स्ट्रा लेवल पे जाके क्वेश्चन बन सकता है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, क्या भारत ने अपना इंडिजिनियस है कि भारत के से भारत ये लिया तो बेसिकली सीखा रूस से था, लेकिन इसका अब बना लिया इंडिजिनियस, खुद का इंडिजिनियस, अब इंडिजिनियस बना लिया। ठीक है, हाँ, उसको सबसे पहले किस उसमें लाया गया था, किसमें, डीजल पनडुब्बियों में, वो बहुत आसान होता है, ऊपर से लेके जोड़ सकते हो आप किसी भी, क्यों आवाज कम कर देता है, एयर इंडिपेंडेंट रहती है ना, तो पनडुब्बियां ज्यादा समय तक पानी के नीचे रह सकती है, बार बार ऊपर आने की जरूरत नहीं, ईंधन बचने के लिए कम होती है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। तो ठीक है, सिगमैक्स जो की एक त्रिपक्षीय समुद्र समुद्री अभ्यास है, ठीक है, अच्छा सिगमैक्स जो सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन होता है, बाल सम्मेलन, सेंट पीटर्सबर्ग बाल सम्मेलन, यह किस वर्ष किया गया था, 2010 और इसका टारगेट क्या है, 2019 का सबसे ज्यादा किस राज्य का, मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा तो है राजा जी में, जिम कार्बेट में 400 कुछ के लगभग है, पक्का ना, मतलब ये है फैन, एक बार ये भी चेक करना। हाँ, और सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो यहाँ पे तेलंगाना, नागार्जुन सीसैलम, और अमराबाद उस सेकंड नंबर पे, जो उसी से उसी से फोन साइलेंट चल रही है। अच्छा चलिए, एक प्रश्न बताइए आप लोग ध्यान से, ठीक है, अरे ये सेलू जो है जो अभी सर्वेक्षण हुआ था हाल ही में पिछला वाला बाघों का, उसमें यह बताया गया कि भारत में 3 टाइगर रिजर्व हैं जहां पर कोई भी टाइगर नहीं, एक भी नहीं है, हाँ, डंपा मिजोरम, दूसरा हो जाएगा बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे झारखंड में है पलाम, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, 3 टाइगर। और यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन बताइए भैया, बाघों का आईयूसीएन स्टेटस क्या है भारत में, इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, ठीक है, ठीक है। संरक्षण जो कार्य योजना है भारत सरकार की 5 सालों की 2020 से 2025 तक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन जो है इसमें शुरू किए गए हैं। तो पहला है कि रेड हेडेड वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, सफेद मुंह वाला वल्चर, बहुत सारे हैं, कैसे याद हो, टोटल 8 प्रकार के वल्चर हैं, तो इसमें दो ही हैं, मतलब बेसिकली और इजिप्शियन, ये दो ही हैं जो इसका प्रयोग किया गया, मतलब इसको संरक्षण योजना के अंतर्गत लाया गया है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अभी आपके उत्तर प्रदेश में जो ये फरिंदा रेंज है, वहाँ पे महाराजगंज में, वहाँ पे एक एकीकृत जो गिद्ध संरक्षण प्रोग्राम है, उसका जगह का नाम स्वर्गीय वर्मा,
स्वर्गीय वर्मा हाँ, अभी उसको टाइगर रिजर्व के लिए लेकिन वहीं पे गिद्ध संरक्षण बिल्कुल परियोजना चल रही है। चलिए यहाँ पर एक प्रश्न ध्यान आया है कि स्वर्गीय वर्मा लोहरा देव इनका नाम अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। ऐतिहासिक रूप से था सोगौरा में जो था वो आपका 8000 साल पूर्व का धान और उसके खेती का प्रमाण मिले 8000 ईसा पूर्व में और लौरा देवी संतकबीर नगर में इससे पहले वहाँ पे 9800 ईसा पूर्व में मिला है। ये प्रश्न प्रीलिम्स से पूछा था साक्ष्य मिला था बिल्कुल। तो यानी कि अभी 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 फिलहाल जो ज्ञात स्रोत है अभी आज ही भारत सरकार ने एक समिति भी बनाई आज के आज ही बनाई है पांच उसमें अपने गोरखपुर विश्वविद्यालय के भी इतिहास के प्रोफेसर उस समिति में जो 2014 से 2020 तक के बीच में जो नए फैक्ट आए हैं इतिहास में जो नई खोजें हुई हैं उसके संदर्भ में बता रहा है कि वो रिव्यू करेंगे कि क्या इनको शामिल किया जाना चाहिए या शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मवेशियों को मारने वाले कौन से जगह होती है मवेशियों को मारने दर्द निवारक है दर्द की दवा है बेसिकली मवेशियों को दिया जाता है और ये खा के गिद्ध मरते हैं अभी हाथ दर्द के लिए मैं उसमें लिखने के लिए हाथ दर्द के लिए दवा ली थी तो उसमें डाइक्लोफेनाक था। चलिए अब एसडीजी के बारे में कुछ चर्चा हो जाए एसडीजी गोल्स बहुत सारे हैं तो निशान सर बताइए जल्दी 14वां गोल कौन सा है बिना देखे बताना है निशान सर ओपन करने के चालाकी में जलीय जीवों की सुरक्षा के लिए जो जल के नीचे रहते हैं। वेरी गुड निशान सर अब आप पूछिए सर बता दीजिए सर देख के पढ़ने की मूड में नहीं है पढ़ने देने की मूड में जल के ऊपर तो फिर इसी प्रकार लैंगिक समानता एसडीजी 5 है तो एसडीजी 4 क्या है गरीबी भुखमरी स्वास्थ्य शिक्षा शिक्षा है तो पहला है गरीबी दूसरा भुखमरी तीसरा स्वास्थ्य फिर चौथा शिक्षा चौथा शिक्षा है लैंगिक समानता है छठवां पेयजल एवं स्वच्छता है सातवां ऊर्जा ऊर्जा आठवां सतत ऊर्जा आर्थिक वृद्धि से रिलेटेड आर्थिक वृद्धि है नौवां है इंडस्ट्री इनोवेशन ट्रिपल आई दसवां है असमानता में कमी ग्यारह है सतत शहरीकरण एवं समुदाय बारहवां हो जाएगा आपका तेरहवां क्लाइमेट एक्शन उत्पादन है ना और तेरहवां क्लाइमेट एक्शन चौदहवां जल के नीचे जीवन ऊपर जीवन सोलहवां जो भारत में आता नहीं है मतलब भारत नहीं शांति न्याय और ये सब और उसके लिए आपको हाल में ही चार बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाई गई है ये किस एक्ट के थ्रू बनाई जा सकती है तो ईपीए 1986 बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 यही सही है सब देख कर्नाटक में तो राज्य सरकार बनाती है ध्यान रखना ना कि केंद्र सरकार ठीक है अगला
अगला है ज्ञान पोर्टल के संदर्भ में। तो ये ज्ञान पोर्टल है क्या, किस मंत्रालय की पहल? जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल है ना, पूरा नाम ये है। और ये एमओएफसीसी के नाम है, जो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो मंत्रालय है। अच्छा, इसीलिए मैंने इसका नाम ज्ञान पोर्टल लिखा था। सॉरी, तो इसका पूरा नाम है जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल। और ये पर्यावरण एवं जल पर्यावरण जल वायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरण वन एवं जलवायु एमओईएफसीसी शॉर्ट में जो भी अंदर नाम है मंत्रालय के अधीन बनाई गई है। ये है क्या बेसिकली, सारे उपायों सारे उपागमों को एकीकृत रखेगी, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। एक और आज का आखिरी प्रश्न, आखिरी प्रश्न है स्टारलिंग के बारे में। तो स्टारलिंग जो भी हाल ही में चर्चा में रहती है, ये क्या है? वो स्पेस एस की परियोजना है कि लो अर्थ ऑर्बिट में कम 18-20 हजार उपग्रह भेजेंगे, 42 हजार के करीब उपग्रह भेजेंगे, जिससे पूरी दुनिया में इंटरनेट, सस्ता इंटरनेट, तीव्र इंटरनेट मुहैया कराएगा। और चूंकि अभी एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स, एलन मस्क ने अभी भारत में टेस्ला को लॉन्च किया है, तो इसलिए ये थोड़ा सा चर्चा में। मुझे एक चीज ये पूछनी है कि ये बताइए, जब हम लोग एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट अगर भेजते तो 3 ही सैटेलाइट में हमारा काम चल जाता, तो ये 42,000 सैटेलाइट भेजने का क्या उचित है? मतलब क्यों 42,000 भेजा जा रहा है जबकि 3 ही से काम चल रहा है? एक तो ये है कि वहां पे कंजेशन बहुत ज्यादा है, जो हमारा स्टेशन कंजेशन तो ये और ज्यादा हो जाएगा 42,000 बता रहा है। और हाँ, दूसरा चीज ये है कि जैसे वो सब ये जो मौसमी जैसे उसमें मौसम बिगड़ता है तो खराब है, दिक्कतें आ जाती हैं, ये मौसमी दिक्कतों से दूर रहेगा। नहीं, मौसम बिगड़ता है तो खराब दिक्कतें नहीं आएंगी, हमारे पास आवृत्ति होती है। जैसे जिससे देखिए, जो टावर होते हैं जमीन पे, वो टावर किस बेसिस पे काम करते हैं कि आयन मंडल से रेडिएशन वापिस आता है, तो वो तो मौसम बिगड़ता है तो मान सकते हैं कि खराब होगा। इन उपग्रह मौसम बिगड़ने से बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सही, आप सही जा रहे हैं। मेन रीजन ये है कि लेटेंसी, जितना दूर होगा लेटेंसी उतनी ज्यादा होगी, तो नेट स्पीड उतनी हो सकता है। सबसे बड़ा जैसे अभी हम लोग जियो का चेक कर रहे थे तो 39 सेकंड दिखा रहा था, 39 मिली सेकंड नहीं होगा, 39 मिली सेकंड दिखा रहा था, तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। आज बहुत परेशान कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, तो दोस्तों आज हम लोग यहीं पे डिस्कशन समाप्त करते हैं। और आज सेरू ने थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज्यादा क्रिएट किया है, लेकिन ठीक है, ये भी डिस्कशन का एक पार्ट है। और वापिस कुछ लेके गया। तो ये बात है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल ओपन टेस्ट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कल ओपन टेस्ट है, आज मतलब 7 फरवरी को रविवार के दिन ओपन टेस्ट है हमारा। तो आप लोग ओपन टेस्ट जरूर दीजिएगा, निःशुल्क आप लोग प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे OMR दिया हुआ है, 100 प्रश्नों का एक OMR है, आप उसको भर करके शाम को 5 बजे तक, या बुधवार को भी आप शाम को 5 बजे तक अगर जमा कर देंगे तो आपको रैंक और उसके साथ आपको बताया जाएगा रिजल्ट पूरा विस्तृत रूप में। उसके बाद आप उसके बाद भी आप ये टेस्ट रविवार तक भी दे सकते हैं, तो जरूर इस टेस्ट को दें, क्योंकि ये टेस्ट निःशुल्क है। और हर महीने की 7 तारीख को हमारा एक ओपन टेस्ट निःशुल्क रहेगा। जैसे अगला हमारा टेस्ट हमारा बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और इन सब पे, जिसमें प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप प्रीलिम्स में 100% श्योर सिलेक्शन चाहते हैं, तभी जो आप हम लोग के साथ मेहनत कर पाए, हम लोग के बराबर मेहनत कर पाए, तो आप हम लोग की फुल पेड टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।